हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया वीवो का फ़ोन। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो कितना रेडिंग आ रहा है, यहाँ पे लगभग 890 ऐसा कुछ रेडिंग आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे। तो अभी बैटरी चेक करते हैं, बैटरी में कितना चार्ज है। 4.3 वोल्ट, यानी 100% चार्ज है बैटरी। तो और ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। अगर वीवो का किसी भी मॉडल में, चाहे Y55 हो या अदर्स कुछ भी मॉडल में, बैटरी कनेक्टर पर अगर कुछ इस तरह का रेडिंग आता है, 800, 700, 900, ठीक है, 300, 500, इस तरह का कुछ भी अगर रेडिंग आता है, तो आप समझ जाना मेन पीसीबी में कहीं ना कहीं पर फुल शॉर्ट है। तो आपको उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे फुल शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका मेन पीसीबी को बाहर निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद मीटर से चेक करना पड़ेगा पावर आईसी, चार्जिंग आईसी का आसपास में, अरे कैपेसिटर को अच्छा से चेक करना पड़ेगा। देखना 100% कहीं ना कहीं पर फुल शॉट होगा, और अगर फुल शॉट मिलता है तो आप लोग शॉर्ट क्लियर यूज़ करो उसमें, और शॉर्ट क्लियर यूज़ करने से 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं इसमें फुल शॉट कहाँ पे दिखता है। सबसे पहले स्टीना को निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्टीना के अंदर में रहता है पावर आईसी, चार्जिंग आईसी। ठीक है दोस्तों, टीना को कुछ इस तरह ट्विजर से निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो ब्लोअर से निकल सकता है, वो आपका मर्जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे 3.7 वोल्ट होता है, उस एरिया में चेक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ पे शॉर्ट फुल शॉर्ट दिख रहा है। लाइट कॉइल का पास में जो दो कैपेसिटर है, वहाँ पे भी फुल शॉर्ट दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाएगा अभी, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो फुल शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे फुल शॉर्ट नहीं होता है, यहाँ पे कॉयल में भी देखो फुल शॉट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फुल शॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके मतलब कहीं ना कोई पर तो कुछ ना कुछ शॉट है। तो अभी हम लोग क्या करेगा, शॉट क्लियर को यूज करेगा। शॉट क्लियर आप लोग दो बैटरी से बना सकता है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर किसी को बनाना बहुत दिक्कत होता है तो मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो है, देख लेना। ठीक है, देखो मैंने दो बैटरी से ऐसे शॉर्ट क्लियर बना दिया। माइनस लगाना पड़ेगा ग्राउंड पर, GND में। ठीक है, कहीं पर भी लगा दो, और प्लस जो होता है जहाँ पे फुल शॉट है उस वहाँ पे डाल दो, जो भी ख़राब होगा 100% जल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जैसे रेजिस्टेंस पर लगाया प्लस बैटरी का प्लस, तुरंत ये कैपेसिटर जल गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा वीडियो आगे करके देखो। और इस कैपेसिटर को अभी हम लोग निकल देंगे। ठीक है, बस इतना ही काम है। अभी चेक करते हैं, देखते हैं पहले जहाँ पे शॉर्ट था फुल शॉर्ट अभी भी वहीं पे है कि नहीं, 100% नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पे फुल शॉर्ट था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है फुल शॉर्ट मोबाइल ठीक करना। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। तो चलो दोस्तों, अभी चेक करते देखते ये मेरा सेट ऑन होता है क्या नहीं। वाओ, यहाँ पे देखो ऑन हो गया, 100% ऑन हो गया। तो मैंने शॉर्ट क्लियर कहाँ पे यूज़ किया आपको दिखाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जल गया एक्चुअली कैपेसिटर, और ये रेजिस्टेंस में मैंने लगाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे थोड़ा सा तो प्लीज़ लाइक करो, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दो।